are you? Assalamu alaikum. I hope it's a happy, healthy with your family. Thank you so much for coming, you person, my home. Brother, sister, girl, boy, and everyone. Thank you so much. Butter my heart, my beautiful YouTube family. चकते फटते नब्दे किल्ली ठोको ताली, जिस ताली पे लगा है सबको बहुत ज्यादा शॉक, करंट, बिजली, ओ एम जी, इतनी 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 चुल। हाँ मैं छोटी यूट्यूबर हूँ, हाँ मेरे व्यू नहीं आते, तो सो व्हाट, व्हाई यू आर वरी, व्हाई व्हाई व्हाई, टेल मी चुया 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 चुया, हाय चुया बिल बतोड़ी ना सजोड़ी, अद्धी खट्टी अद्धी कोड़ी, मेरे ख्याल में मीठी भी नहीं कहेंगे इसको, पूरी की पूरी कोड़ी 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 कहेंगे। यहाँ पे शुभाना आंटी की वीडियो देखी तो उन्होंने बहुत अच्छी बातें की, बट इस चुया को वो बातें भी रास ना आई। इसने कह दिया, शुभाना आंटी हमने आपकी तरबियत देख ली जो आपने अंबर की तरबियत की, क्योंकि अंबर जो है वो जवाब देती हैं, मैसेज करती हैं, तो जहरी बात है कोई आकर आपके घर में आपको गाली दे, आपको बुरा भला के, तो आप आराम से चुपचाप यूं बैठे रहेंगे? नहीं ना, जवाब देंगे ना, जवाब तो बनता है, तो ठोको ताली, तो ताली ठोकने के बाद इसी तरह अंबर भी अगर किसी को जवाब देती है तो बिल्कुल सही करती है, परफेक्ट करती है, चीटी बंदी है, नहीं डरती है, ऐसी बदतमीज खबीस औरतों को जवाब दिया जाता है, क्योंकि ये अगर बड़ी यूट्यूबर की बेइज्जती करे, गाली गलोच करे, उनको कह कि ये बेशरम है, बेवफा है, फरामोश है, क्योंकि शुभाना आंटी ने इन लोगों ने जो पैसे मांगे थे, शुभाना आंटी ने वो पैसे देने से इनकार कर दिए, वो वॉइस तो इन्होंने नहीं सुनाई है ना। ओ आम जी, ये तो खुलमा खुल्ला शुभाना आंटी को ब्लैकमेल कर रही है, इसीलिए इसने सबसे पहले शुभाना आंटी के ऊपर वीडियो डाली, उसके बाद इसके साथ मिल गई जी वो एक और खातून है, वो मिल गई, उसके बाद इन्होंने एक छोटा सा ग्रुप बनाया, उस ग्रुप के लिंक अभी भी इनकी वीडियो पे सब प्रूफ में दे रही हूँ, मौजूद पड़े हुए हैं। शबाना आंटी ने तो किसी का लिंक शेयर नहीं किया, शबाना आंटी ने तो किसी को नहीं कहा कि आओ मेरे लिए बोलो ना, मुझे कहा, या जो कोई भी शबाना आंटी के लिए आवाज उठा रहा है, किसी को भी नहीं कहा, हर कोई ये देख, और मैं तो आई बहुत बाद में, ये गंदी गलीज बगैरत औरत कब से शुभाना आंटी को ट्रोल कर रही है, वीडियो बना रही है, उसकी बच्ची अंबर के ऊपर बात कर रही है, शुभाना आंटी पे बात कर रही है, तो फिर मैं बाद में आई, वो भी लोगों ने आके इंस्टाग्राम पे कहा कि जब स्वीटी का और इनका मसला था, आप थी, आप बोल रही थी, आप जो है दुश्मनों को जवाब दे रही थी, अब क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, अब आओ इन गंदी गलीज औरतों, खबीस औरतों के मुंह बंद कर दो, जिनको बिल्कुल शर्म हया नहीं है, जो अपने पूरे कपड़े उतार कर नाचने पे मजबूर हो गई हैं कि हम नाचेंगे और नाच के अपने घर का चूल्हा जलाएंगे, जो जला भी रही हैं, जी जी हजूर आला ये चूल्हा जला रही हैं। आप लोगों ने आज की जो वीडियो इस औरत ने डाली है, इस वीडियो में आप जाकर देखें कि वहां पे खांसी 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 हो रही, कौन खांस रहा था, पहले ये औरत उठती, जो खांस रहा था उसको मेडिकेशन देती, सिरप देती, डॉक्टर के पास लेकर जाती, पहले उसकी उसको ठीक करती, उसके बाद बैठकर शबाना आंटी और उसकी बेटी को ट्रोल करती, उनको बुरा भला कहती, उनकी तरबियत के ऊपर उंगली उठाती, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि जब तक ये शबाना आंटी को ट्रोल करती रहेगी, उनको बुरा भला कहती रहेगी, उनके ऊपर कीचड़ उछालती रहेगी, अंबर की तरबियत बताती रहेगी, अंबर के मेकअप के ऊपर बात करती रहेगी, उसके कपड़ों पे बात करती रहेगी, उसके मोटापे पे बात करती रहेगी, सब कुछ करती रहेगी, इवन के उनके शुभाना आंटी के बेटे के ऊपर बात करती रहेगी, ला बाल, क्या है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, खबीस की, अपने घर को नहीं देखती, कौन बीमार है, कौन बीमार नहीं है, किसको हमने दवाई देनी है, किसको सिरप देना है, किसको मेडिकेशन देनी है, नो, सिर्फ पैसे कमाने हैं, अपना चैनल ऊपर लेकर जाना है, आंटी शबाना के शोल्डर के ऊपर फीट रखकर नंबर रेस करने हैं, और अगर शबाना आंटी आकर रिक्वेस्ट करती हैं कि भाई आप लोग ऐसा मत करें, आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो उस चीज को भी कैश किया, उस चीज पे भी फौरन वीडियो बना दी गई, उस चीज को भी कहा गया
कि जी मैं दूसरे यूट्यूबरों की रिस्पेक्ट करती हूँ जिनको हम लोग बेइज्जती करते हैं, उनको सुबह शाम ठोकते हैं, उनके ऊपर हम गंदी गंदी बातें करते हैं, उनकी फैमिली में बातें करते हैं, उनकी पूरी माँ बहन बच्चे पता नहीं किन किन पे ये लोग बातें करते हैं, वो लोग आके इनको जवाब नहीं देते। अगर देते हैं तो बड़ी सफाई से, बड़ी बैलेंस लेकर सफाई देते। तो आंटी शबाना ने भी वही किया, बैलेंस लेकर उनको जवाब दिया कि ऐसा प्लीज मत करो, जो तुम लोगों ने बिल्कुल ही मेरी बेटी के पीछे पड़ गए हो, ऐसा मत करो। तो कौन सा आंटी शुभाना ने गलत कर दिया? कहते हैं अब तो हम बोलेंगे, भाई हमें तो पहले पता है, हमें तो पहले पता है कि जो शुभाना आंटी की तरफ से जो बीच के जो रिश्तेदार है उन्होंने आपको खरीदा हुआ है, वो आपको पैसा दे रहे हैं, इसलिए आप कभी स्वीटी से रिक्वेस्ट करते हो, कभी वहां पे अपनी कम्युनिटी पे नंबर चला देते हो कि हमें हेल्प करो, कभी आप जो है डायरेक्टली जो है लोगों को फोन करते हो, भीख मांगते हो। आप मेरे पास भी तो आए थे, भूल गए? इंस्टाग्राम पे तो फॉलो किया था, ज़किया क्वीन प्लीज मेरी हेल्प कर दें, अल्लाह ने आपको इतना दिया हुआ है उसमें से थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दें, भूल गई? और उसके बाद फौरन उन चीजों को डिलीट भी कर देते हो। वाह बल्ले भी बल्ले, ठोको ताली, मुझे तो पूरी वैटी जानता है, मुझे तो यूट्यूब जानता है, मैं तो हर एक की हेल्प करती हूँ, मैं तो स्ट्रॉन्ग उज़्मा की हेल्प करती हूँ, मैं हर बड़े बड़े यूट्यूबर की हेल्प करती हूँ, अल्लाह का शुक्र अल्लाह ने इतना दिया हुआ है। राज चैनल की बात तो ये अपनी मर्जी से करती हूँ, इसके ऊपर पहले मैंने दूसरे मजाकिया चीजें डालती, जब शुभाना आंटी का केस आया तो उसके बाद मैंने फिर शुभाना आंटी के बोलना शुरू किया, फिर सितारा यासीन की बात हुई तो उसके ऊपर मैंने आवाज उठाई है, इसमें कौन सी बुरी बात है? मेरा चैनल छोटा हो बड़ा हो आपके पेट में क्यों गैस हो रही? क्या आज आपने बाथरूम यूज नहीं किया? क्या आपका पेशाब बंद हो चुका है? क्या आपको मेडिकेशन लेनी है? और वैसे भी जब मैं आती हूँ आपको देखकर जाती हूँ तो आपको बाथरूम ही बहुत अच्छा खुलमा खुल्ला आ जाता है कि पूरे घर वाले नाक बंद करके भाग जाते हैं, भाई आज इसने क्या कांड कर दिया, है ना? पेशाब इतना तुम कर देती हो जला सड़ा हुआ कि सब कहते ओए होए होए होए, पता नहीं सूरत ने क्या पी लिया, तोबा 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 तोबा। तुम्हारे तो घर वाले खुद तोबा तोबा करते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? तुम आकर यहाँ पे बच्चियों के नाम लो, बच्चियों को जलील और रुसवा करो, और अगर हम आके बदले में ये बोलेंगे किसी की बच्ची पे बात मत करो तो आप आग बगुला हो जाते हो। आप यहाँ कहते हो कि हम उनको थैंक यू कहते हैं, थैंक यू तो आपने कहना है क्योंकि वो भी शुभाना आंटी को गाली गलौज दे रही है, उनको बदतमीज कह रही है, उनको सारा मोश फरा मोश पता नहीं क्या क्या लफ्ज ने यूज किया शुभाना आंटी ने, क्या उसकी कोई गाय चुराई है, उसका कोई घर चुराया है, क्या किया, डाका मारा है, चोरी की है, क्या किया वो आप बता दो। पर नहीं, क्योंकि आप लोगों ने एक छोटा सा ग्रुप बना लिया है जिसके तहत जो छोटे छोटे चैनल हैं जिसके आप लिंक शेयर कर रहे हो वो आ रहे हैं, वो भौंक रहे हैं, आप अपनी चैनल पे बैठ के अच्छी अच्छी बातें करती हो और उनके थ्रू उनके दिल में डाल के भाई तुम्हारे दिल मेरी जो बातें वो तुम लोग भी निकालो, गंदा को बुरा को जो भी को हम तुम्हारे चैनलों के लिंक लगा के। तो यहाँ पर फिर गुंडागर्दी कौन कर रहा है, वो तो साफ वाजिया हो गया। आप यहां पर आकर शबाना आंटी की एज पे बात करते हो, शबाना आंटी के ऊपर आप टोंटबाजी मारते हो, ये आप देख सकते हैं, जो ये जाती है मैसेज करती है, जिनके ये क्लिप लगाती है, जिनको ये अप्रिशिएट अपने चैनल पे बैठ के करती है, सब सबूत तो ये खुद दे रही है कि कितनी झूठी औरत है, फ्रॉडन औरत है, बदतमीज औरत है, जलील औरत है, गदी औरत है, कुत्तिया औरत है, बगैरत औरत है। और भी कुछ सुनना है, सुनना है और भी कुछ? जाओ पहले तो तुम वो चीज लाके दो जो तुमसे मैंने पहली बार कहा था कि लाकर केस करो, क्यों नहीं किया? और जिस बंदी ने तुझे कहा था ना कि मेरे पे केस किसी ने किया, तो मैंने कहा था उस बंदी को ला सामने बैठा और वो बताए कि उसने मुझ पे केस किया है कि नहीं किया, तो साफ हो जाएगा सब कुछ, क्लियर हो जाएगा। पर तुम लोगों की बम में इतना दम नहीं है कि तुम लोग ला और ला के तुम लोग दिखाओ तुम लोगों को चाटने की। और हाँ, केला क्या, केला नहीं खाती हो? नहीं खाती हो? सेब नहीं खाती हो? एप्पल नहीं खाती हो? पियर नहीं खाती हो? बनाना नहीं खाती हो? नहीं खाती हो? तुम में बड़ी चुल पड़ी हुई है, या फिर तुम्हारी जो गुंडियां है ना, सुंडियां, वाह वाह कहती है मैं वीडियो नहीं देखती हूँ, जो जो लफ्ज मैं बोलती हूँ वो रिपीट में लफ्ज बोल के ना अपनी आग ठंडी करके चली जाती हूँ। भाई तुम लोग तो सीख ही मेरे से रहे हो, वाह क्या बात है, पहले तो बड़ी करके आके बैठती थी और जब देखो अच्छा भाई ऐसे भी बोलते हैं तो फिर भाई आगे टेंशन होके ये अब मैं नहीं डरती है, भूल गई जब ताली ठोकी थी, हाय हो ताली को भी कॉपी कर लिया तूने, वाह
वाह, इसका मतलब है चैनल छोटा लेकिन है दमदार। क्यों है? ओए होए 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 होए, तुझे मैंने इसलिए इतने दिन से दम पे रखा हुआ था। स्टीम, अनपढ़ जाहिल स्टीम का क्या मतलब पता होगा ना? तो मैंने कहा था जरा अच्छे से आंद्रे वांद्रे बाय निकल आए, जो आ तुम्हारी निकल, जो आ तुम्हारी निकल आई आंद्रे वांद्रे बाय। आके तुमने सीधा ये अटैक शुभाना आंटी पे कर दिया। फिर कहती है हम तो किसी को कुछ नहीं कहते, हमारे रिएक्शन वाले चैनल हैं, हम तो बोलेंगे, हम तो ये करेंगे। भाई तुम लोग जब जब तक बोलते रहोगे, इकरा पे बोलोगे, डक्की भाई पे बोलोगे, शुभाना आंटी पे बोलोगे, स्वीटी पे बोलोगे, किस जिस यूट्यूबर पे तुम लोग बोलोगे, जिन जिन को मैं फॉलो करती हूँ, जिन जिन की व्लॉग में देखती हूँ, उन सब के लिए मैं आकर आवाज उठाऊंगी। जो उखाड़ना है उखाड़ ले, जो करना है कर ले। ना तो तुम लोगों के चुतड़ों में इतना दम है, ना तुम्हारी जूतियों में इतना दम है, ना तुम्हारी पेट में इतना दम है। गैस तो तुम लोगों की ऐसे जगह जगह निकलती रहती है ना? सारे लोग उठकर भाग जाते हैं, घर वाले मोहल्ले वाले भी कहते हैं क्या पता नहीं जहरीली गैस आ गई, अब क्या कर सकते। उनको क्या पता कि चूहिया कहाँ जाती है और कहाँ जाके मुंह मार मार के चू 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 करती रहती है। और अपने साथ साथ बड़े बड़े चूहों को भी रखा हुआ है उसने। जहरी बहुत हो भाई, बड़े बड़े चूहे तुमको दे रहे, तुम छोटी छोटी चूहियों को दे रही हो, तो चूहे चूहिया कट्टे बट्टे जट्टे सब तुम लोग मिल मिला के बैठ गए बस भाई, लगे हुए खाने के लिए। और बड़े बड़े यूट्यूबरों पर बातें करो करो करो, जितना बोलोगे मैं बोलूंगी। समझ आ रही है तुम्हें? समझ आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ रही है, इस तरह से मारू ना पता तुझे लग जाए। लगी हाय सियापा, लग गई हाय सियापा, लग गई और गिर गई नीचे, हाय तबाही हो गई और गिर गई और मर तो नहीं गई। हाय चलो जी मर गई है ये तो, हाय हाय हाय, चलो जी मर गई है वो, मर गई है। ओ बंदी, ओ गदी खोती, ओए ओ कुत्ती, सीधी हो जा जल्दी जल्दी, बड़ा डंडा। हाय तू वेपर नहीं घर पे मारती? कहती है मुझे डंडा दे दिया। अरे तुझे डंडा दिया कि वेपर मार घर में? वेपर नहीं मारती घर में, वेपर में डंडा नहीं आता। यार कैसी तू जाहिल औरत है, तुझे पता ही नहीं है डंडा क्या होता है? हैं कितना गंदा तेरा जेन है, कहां कहां तू चीजें ले जाती है। कहती है तू केला खाती है, तो भाई केला तो सभी खाते हैं, कौन सी गंदी बात कर दी मैंने, पूरी दुनिया केला खाती है। डंडा, डंडे पे कपड़ा मारते हैं, सफाई करते हैं, माफ करते हैं, वेपर मारते हैं, सब कुछ करते हैं। तेरा कितना गंदा जहन है, और ऊपर से तूने वो गंदियां जो सुंडियां पाल ली है वो भी गंदी गंदी बातें करती। अल्लाह तौबा अस्तगफुरुल्लाह, वेपर को डंडे को भी देखो उन्होंने क्या कह दिया है। जारी बात है, अगर तुम वेपर मारोगी तो डंडा करोगी तो वो तो अंदर ही जाएगा ना, पता कहां पे कहां लग जाता है। कितनी बार ऐसे हादसे हो गए, टीवी नहीं देखती, ये नहीं देखती है, ये नहीं देखती न्यूज में क्या भाई बहन जना करते क्या कुछ करते, ये नहीं देखती न्यूज में है। ओ तू क्यों देखेगी भाई, तुझे तो सब कुछ पता है, पर तुझे तो बस आंटी शुभाना मिल गई, इकरा मिल गई, डक्की भाई उन पर, या फिर दूसरे बेचारे यूट्यूबर जो कहते हैं इन गंदी औरतों के मुंह क्या लगना छोड़ो। तो फिर तुम लोगों के मुंह लगना मुझे आता है, बताना भी आता है। तो आज के लिए इतनी डोज काफी है तुम्हारे लिए। चले जी आएंगे नेक्स्ट रोस्टिंग के साथ, जब जब ये गंदी औरत बोलेगी हम तो आएंगे, हम तो बोलेंगे। मैं तो अल्लाह से डरती और किसी से नहीं डरती। और ऐसी औरतें जो झूठ बोलती है, दगाबाजी करती है, बेवफाई करती है, और किस किस से बेवफाई किया इसको अच्छे तरीके से पता है। ओ एम जी, एक और दिया कट्टा खोल दिया। हाँ भाई भाई बेवफाई करती है, ओए होए होए होए, इतनी बेवफाई, इतनी दगाबाजी, ओए होए सियापा मैं क्या करूँ यार मैं। और एक और भाई मैसेज दे रही, भाई जो भी मुझे फोन कर रहा है ना भाई, जो भी इसके घर वाले, प्लीज खुदा रहा मुझे माफ करो, तुम्हारी लड़ाई तुम इसके साथ खुद जाके लड़ो, मुझे मत करो भाई। मैंने नहीं इसके लिए वो करना कि इसने अपने खानदान से ये किया, इसने वो, मुझे नहीं जरूरत भाई, ठीक है ना। इंस्टाग्राम पे इसलिए मैसेज नहीं दिया ताकि इसको भी पता लग जाए भाई इसके भी खानदान वाले इससे बहुत तंग है, तो प्लीज मुझे मत करो। मेरे हाथ जोड़ लो भाई, देखो मेरे हाथ देखो, मुझे मत करो। इसको जो शुभाना आंटी यूट्यूबरों पर बात करेगी मैं इसको जवाब दूंगी, बाकी तुम्हारा खानदान है, तुम लोगों के साथ क्या करती क्या नहीं करती, मुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक हो गया। चले जी, इसके बाद शुभाना आंटी ने क्या किया, अंबर के ऊपर क्या हुआ और यूट्यूबरों के ऊपर क्या हुआ, वो बहुत जल्द आपके पास लाएंगे अपना रिव्यू और आप लोगों को बताएंगे। पर इस बंदी के लिए तो रोस्टिंग बनती है, और जो हम करेंगे, जिसको जो करना है वो कर ले, जिसके जितने तिलों में दम है वो खुलकर सामने आ जाएगा। कोई शुभाना आंटी के लिए बोले, दूसरे यूट्यूबरों के लिए बोले, तो इन लोगों की शलवारों में वैसे ही सुसु वसु निकल जाता। ओ एम जी, स्मेली स्मेली स्मेली। चले जी, टेक केयर, लव यू, एंड बाय गाइस एंड चल।